राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आतंकवादियों द्वारा धमकी भरे पत्र भेजकर उदयपुर हत्याकांड की तरह जान से मारने की धमकी देने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सरकार से जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की गई, सुरक्षा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। साथ ही कहा कि गहलोत सरकार तुष्टिकरण की नीति के कारण विशेष समुदाय के खिलाफ कठोर निर्णय नहीं ले पाती है। शिवलाल मीणा, आज हम हमारे जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन देने आए हैं कि 28 जुलाई 2022 को हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उनके आवास पर एक धमकी भरा पत्र मिला है और जिसमें बाकायदे लिखा हुआ था कि मैं कादर अली राजस्थानी, जो हाल कुछ समय पहले हमने उदयपुर में कन्या लड़का किया था, वो यहाँ करने वाले हैं। इस घटना का हम सभी पूरा अलवर जिला घोर विरोध करता है और डॉक्टर साहब के जेड प्लस सुरक्षा के लिए हम हमारे जिलाध्यक्ष महोदय को जरिए राजस्थान सरकार को अवगत करा रहे हैं कि उनको जेड प्लस सुरक्षा दी जाए, अन्यथा आने वाला समय हम इस बात को कभी सहन नहीं करेगा राजस्थान कि इस प्रकार की धमकियां और इस प्रकार की जो अत्याचार राजस्थान पर हो रहे हैं इसको आने वाली पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है ये तो तुष्टिकरण की नीति पर आपदा है। जो भी कोई अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि कांवड़िया के ऊपर क्या कैसे अत्याचार कर रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ कांवड़ियों की उन पर डाला जा रहा है। ये देश में जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है वो अपनी तुष्टिकरण की नीति एक विशेष समुदाय के लिए किया जा रहा है।